गाइस वीवो हर बार कुछ ना कुछ नया जो मार्केट में लेके आता ही रहता है, और इस बार भी वीवो वी सीरीज के अंदर वीवो वी 27 जो लेके आ चुका है, जिसके अंदर ऑरा लाइट का बहुत ही जिक्र किया जा रहा है। तो गाइस आज मैं करने वाला हूँ इसका कैमरा टेस्ट और इंडोर आउटडोर बहुत सारे फोटोज और वीडियोज मैंने क्लिक किए, जूम टेस्ट, इसके अंदर जितने भी फीचर्स है सभी फीचर्स को यूज करते हुए काफी सारे फोटोज और वीडियोज मैंने क्लिक किए हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, ताकि आपको पता चल जाए कि वीवो वी 27 का कैमरा क्वालिटी कैसी है। तो प्लीज वीडियो को बिना स्किप के एंड तक देखे रहे, और आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि ऐसे ही वीडियो में आप तक पहुंचाते रहे। हेलो वेलकम दोस्तों, मैं हूं किशोर, आप देख रहे हो राधे बीट। तो आइए चलिए देखते हैं। हमारे पास Vivo V27, तो गाइस यहाँ पे आपको ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है, जहाँ पे प्राइमरी कैमरा लगा हुआ है 50 मेगापिक्सल का सोनी IMX766, इसके अंदर जो सेंसर आता है, और गाइस यहाँ पे आपको 8 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड कैमरा देखने को मिल जाता है, प्लस 2 मेगापिक्सल का यहाँ पे आपको एक माइक्रो कैमरा देखने को मिल जाता है। और गाइस बात करते हैं इसी फोन के फ्रंट साइड की, तो यहाँ पे आपको एक 50 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। तो गाइस जैसे इस फोन का कैमरा ऐप ओपन करते हो तो यहाँ पे आपको 10x जूम का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, यानी कि आप 10x जूम करके इस फोन से बड़े आराम से फोटोज जो क्लिक कर पाओगे। और भी दोस्तों काफी सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, तो इस सभी ऑप्शंस को यूज करते हुए इसे मैंने कुछ फोटोज एंड वीडियोस क्लिक किए जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, ताकि आपको पता चल जाए कि Vivo V27 5G का कैमरा क्वालिटी कैसे है। वैसे वीडियो के लास्ट में मैं मेरा ओपिनियन भी देने वाला हूं कि मुझे पर्सनली इसका कैमरा क्वालिटी कैसी लगी। तो आइए चलिए देखते हैं कुछ फोटोज एंड वीडियो सैंपल। तो दोस्तों ये जो वीडियो देख रहे हो मैंने इसी Vivo V27 के फ्रंट कैमरे को यूज़ करते हुए क्लिक की है, यानी कि इस फोन से व्लॉगिंग वगैरह करते हो तो इसका ऑडियो और वीडियो क्वालिटी जो आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाती है। और गैस इस फोन के अंदर पोर्ट्रेट वीडियो भी अवेलेबल है, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो इस फोन के अंदर आप ऐसा पोर्ट्रेट वीडियो भी शूट कर सकते हो, जैसे कि DSLR कैमरे से आपने वीडियो शूट किए, कुछ इस तरीके का रिजल्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। और गैस इसके अंदर ड्यूअल व्यू करके भी एक इफेक्ट अवेलेबल है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। उसके अंदर फ्रंट और रियर दोनों कैमरा जो ऑन रहता है। तो गैस आपको ये कैमरा क्वालिटी कैसी लगी, और यहाँ पे आप देख सकते हो मैं चल रहा हूँ और वीडियो जो शूट हो रहा है, तो आप वीडियो स्टेबिलाइजेशन का भी अंदाज़ा लगा सकते हो कि Vivo V27 का फ्रंट कैमरे का वीडियो स्टेबिलाइजेशन कैसा है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो ये है ड्यूअल व्यू, यानी कि फ्रंट और रियर दोनों कैमरा जो ऑन रहते हैं, और आप रियर कैमरा जो जूम भी कर पाओगे 5x तक। और भी इसके अंदर अलग अलग इफेक्ट अवेलेबल है, जैसे कि फ्रंट कैमरा जो राउंड शेप में हो जाता है, हार्ट शेप में हो जाता है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ।
तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो ये पूरा राउंड शेप में आ चुका है। आजकल ना राउंड शेप वाला फ्रंट कैमरा जो इसका बहुत ही ज़्यादा जो क्रेज चल रहा है, मैं ज़्यादातर वीडियोस देखता हूँ तो कुछ कुछ लोगों की ऐसी होती है। तो यहाँ पे आपको कोई भी एडिटिंग नहीं करना पड़ेगा, आप डायरेक्टली ऐसा वीडियो जो इसमें शूट कर पाओगे। और दूसरे यहाँ पे आप देख सकते हो ये है हार्ट वाला शेप, यू नो हार्ट वाले शेप में भी आप वीडियो जो रिकॉर्ड कर सकते हो, यानी कि सेल्फी कैमरे के अंदर भी आपको कमाल के ऐसे अलग अलग फीचर्स देखने को मिल जाते हैं जो कि आपको डे टू लाइफ में शायद काम आ सकते हैं। फोटोज एंड वीडियो सैंपल देखे हो, मैंने इसी वीवो V27 के फ्रंट और रियर कैमरा को यूज करते हुए क्लिक किए थे। तो गाइज आपको इसका कैमरा क्वालिटी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और दोस्तों बात करते हैं मेरे पर्सनल ओपिनियन की, तो मुझे पर्सनली इसका कैमरा क्वालिटी अच्छी लगी, लेकिन जो पोर्ट्रेट वीडियो है वो मुझे इसका अच्छा नहीं लगा उतना। मतलब वीडियो शूट कर लेता है अच्छी बात है, लेकिन जो इतना परफेक्टली पीछे का बैकग्राउंड ब्लर करना चाहिए उस तरीके का ब्लर नहीं होता फ्रंट कैमरे से आप पोर्ट्रेट वीडियो शूट करते हो। तो ऑल ओवर देखा जाए तो इसका कैमरा क्वालिटी बहुत ही अच्छे है। तो आई होप यू गाइस कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपका कोई भी सुझाव हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि मैं रोजाना ऐसे ही वीडियो लेकर आता रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आज के इस वीडियो में दोस्तों थैंक यू सो मच, बाय बाय फ्रेंड्स।